हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जैसा आपको पता है कि सर कल उसकी जो है ना आंसर की जारी हुई थी, तो जितना भी डेटा मिला हुआ है ना उस हिसाब से कितना कट ऑफ बन सकता है ना, हमने इसके पहले भी आपको एक वीडियो दिया था जिसमें हमने बताया था कि कट ऑफ कितनी हो सकती है। और आज जब हमने डेटा के बाद देखा, पूरा दिन डेटा मतलब जो मिला हुआ था उसके बाद जब डेटा लगा कि हाँ अब आपको कट ऑफ का वीडियो बनाना चाहिए, तो हमने इसको अब वीडियो बनाया। तो वो जो पहले हमने दिया था ना उसके कहीं अराउंड ही अराउंड उस देखने को मिला कि सर पहले जो बनाया था कहीं ना कहीं जो बच्चे पहले बता रहे थे कि सर इतना ही स्कोर हुआ, तो उसके आसपास ही कट ऑफ देखने को मिला हुआ है। ठीक है भाई, तो अगर हम बात करें तो मई और जून दो बार अपना एग्जाम हुआ था यहाँ पे, तो सर मई में आधा एग्जाम होगा और जून में भी अपने पास 13 तारीख से लेकर 20 तारीख तक ऐसा कुछ अपने पास ये एग्जाम चला जून में एसएससी एमटीएस का। ऐसा सुनने में आया कि सर जब मई में एग्जाम हुआ था ना तो जो अपने पास इंग्लिश थी और जीएस थी इसका जो लेवल था ना वो बढ़िया था, और यहाँ पे जो जून में हुआ इसका लेवल थोड़ा सा कहीं ना कहीं इससे अप था और थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसका लेवल ज़्यादा था। मैथ रीजनिंग तो सर पहले भी बढ़िया थी और इस बार भी बढ़िया थी कि 20 में से 15 क्वेश्चन तक आसानी से हो जा रहे थे, 5 क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन ये तो क्वालिफाइंग था, ये तो क्या था क्वालिफाइंग था, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी मैथ रीजनिंग में। कट ऑफ तो अपनी बननी है जीएस और इंग्लिश की वजह से। तो हमने जो डेटा लिया ना वो जीएस और इंग्लिश के हिसाब से लिया कि जीएस और इंग्लिश में आपके कितने बन रहे हैं। तो सर वैकेंसी अगर आप देखोगे तो 12,530 ये टोटल वैकेंसी है इस बार एसएससी एमटीएस में, इतनी टोटल सीट है। और फॉर्म कितने पड़े सर 55 लाख प्लस। लेकिन जरूरी नहीं कि 55 लाख ने पेपर दिया हो सकता है कहीं ना कहीं 5 लाख ने तो पेपर छोड़ा ही होगा, इतना तो हम मान ही सकते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पेपर भी छोड़ा हुआ था। ठीक है, हमने देखा कि इस बार कहीं ना कहीं पेपर छोड़ा, तो 5,55,000 में से 5 मानना कोई गलत बात है नहीं। ठीक है, यहाँ तक इतनी कोई दिक्कत की बात है नहीं, तो भाई कम से कम तब भी 50 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। ठीक है, अब 50 लाख पे थोड़ा डेटा की बात करते, डेटा पे हम लोग आते कि सर मैथ रीजनिंग को हम लोग यहाँ पे छोड़ देते क्योंकि ये क्वालिफाइंग था। हम बात करते जीएस और सर इंग्लिश की, जिसने कट ऑफ बनाई और जो आपको सिलेक्शन दिलवाएगा इस बार एसएससी एमटीएस में। अब आपको पता है अगली वैकेंसी फिर अपने पास आने वाली है 30 तारीख से, सर अपने पास अगली वैकेंसी आ जाएगी 13th जो अपने पास जून है ना, इसी को आपको अगली वैकेंसी भी देखने को मिल जाएगी। तो बढ़िया से आप तैयारी करते रहो, कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, और नहीं तो अगली वैकेंसी भी आ गई है, तो तैयारी अगर आपकी बेहतरीन है तो सिलेक्शन तो होना ही होना है भाई। ठीक है, तो सर अगर जीएस की बात करें ना तो अपने पास टोटल 25 क्वेश्चन थे और इंग्लिश भी 25 थे, मतलब सर दोनों को देखा जाए तो 3 नंबर का ये था, 3 नंबर का ये भी था, तो टोटल 150 का अपने पास बन रहा था। पहले जब आप लोग पेपर दे के आए थे तो देखो कट ऑफ में दिक्कत कब आती है ना, कि जब आप लोग पेपर दे के आते हो तो उस समय आपको लगता है कि सर हमने सभी कुछ करेक्ट किया हुआ है, करेक्ट किया हुआ है। लेकिन जब आंसर की आती है ना, आंसर की आने के बाद तब हमको रियल में पता चलता है कि जहाँ पे अपने को क्या है ना कि सिनोनिम्स लगाना था वहाँ हम एंटो करके चले आए, जहाँ पे अपने को उसका कुछ भी मतलब इरर इतने आसान आसान से इरर हो जाते हैं ना, जो देख के ही आपकी हालत ख़राब होती है, सर ये कैसे हो गया। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा था सर कि हमारे 20 सही है 21 सही है, तो कहीं ना कहीं आपको उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन जो गलत भी देखने को मिले हुए हैं। ठीक है भाई, तो इस एवरेज से अगर देखें तो एवरेज कहीं ना कहीं जो बन रहा है वो 12-13 क्वेश्चन ऐसा कुछ एवरेज बन रहा है। हो सकता है डेटा कम आया हो सकता है आप लोगों ने, दो चीज़ें होती भाई डेटा के साथ भी आप लोग ये ध्यान रखना। पहली बात तो क्या है कि डेटा भी कुछ बच्चे देते हैं ना जिनको लगता है कि जिनका सिलेक्शन हो सकता है, डेटा वही देते हैं। जिनका एकदम स्कोर ही नहीं होता ना, जो सिर्फ जाते पेपर देने, डेटा जो लड़के देते हैं ना वो 50 लाख में से सिर्फ और सिर्फ होते 5 लाख लड़के। 45 लाख बच्चे डेटा नहीं देते क्योंकि उनको पहले ही पता होता है कि उन्होंने बहुत ही कम स्कोर किया हुआ है, जिनके स्कोर काफ़ी कम होते 30, 40, 50 ऐसे स्कोर होते हैं, तो ये लोग फिर इंटरेस्ट ही नहीं लेते इन चीज़ों में, जो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो डेटा जिन्होंने दिया तो उस हिसाब से पता चला कि सर जो कट ऑफ बन सकती है ना वो आपके सामने है। सर जनरल की कट ऑफ कहीं ना कहीं जो है ना वो 93-95 हो सकती है, सोचो इस बार। और एक और कारण है ना इस बार कट ऑफ कम होने का, कि आपने देखा कि सर सीजीएल भी कट ऑफ कम गया था, सीपीओ भी कट ऑफ कम गया, लेकिन इस बार अपने पास क्योंकि नया पैटर्न आया था, न्यू पैटर्न आया था, और इस बार नया ही पैटर्न अपने पास एमटीएस में था, तो इस वजह से यहाँ पे कट ऑफ आपको कम देखने को मिल सकती है, क्योंकि सभी की मैथ रीजनिंग की बढ़िया तैयारी थी,
जी एस इंग्लिश थोड़ा सा कम था, तो यहाँ पे कट ऑफ कम जाएगी, इस बार जो कट ऑफ है कम देखने को मिल रही। इसके साथ ओबीसी की आप देख सकते हैं सर 92-95, ईडब्ल्यूएस 90-92 और एससी की इतना और ये एसटी हो गया। तो सर ये जो है ना ये आपके सामने एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि इतना कहीं ना कहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग अपना डेटा जरूर शेयर करना, आप लोग बताना कि सर आपने कितना स्कोर किया हुआ है इस बार के एमटीएस के एग्जाम में, मैथ और रीजनिंग को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ आपको जीएस और इंग्लिश का बताना है कि कितना स्कोर किया हुआ है, ठीक है भाई। तो आप लोग बताना, आप खुद ही कमेंट में देख पाओगे कि सर कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 100 के प्लस हैं, ठीक है। बहुत कमी मिलेंगे जो 110 115 ऐसा स्कोर होगा, लेकिन वो एवरेज जब आप निकालोगे ना तो जिनके 70 हैं 60 हैं तो वो एवरेज कहीं ना कहीं 93-95 के अराउंड आता है, ठीक है भाई। तो ये हमने जो कट ऑफ बनाया वो आप देख सकते हो, जब अपने पास फाइनल आएगा रिजल्ट आएगा तो हम आपको दिखाएंगे कि सर कितना कट ऑफ गया है, क्योंकि हमने पहले भी जब आपको वीडियो दिया था तो कहीं ना कहीं इसके अराउंड बना था और इस बार भी इतना ही बना हुआ है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको सही देखने को मिलेगा इतना कट ऑफ, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, आपको अगर पसंद आया हो भाई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बढ़िया सा और बेहतरीन से, तब तक के लिए इतना ही, ओके बाय, थैंक यू।